ये हो गया है घरिया का काफुला तैयार सरसों का साग। देखो आदि अपनी भुल्ली को झूला में घुमा रहा है। मैंने कुकिंग वाला चैनल खोल लेना था क्योंकि एनिवर्सरी, तो हैप्पी एनिवर्सरी। गुड मॉर्निंग सभी तगड़े होते हैं, प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। तो करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। नए व्लॉग की शुरुआत भी होगी है मॉर्निंग टाइम से, तो करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। देखते हैं आज के व्लॉग में क्या क्या होता है। मैं फिर से आ गई हूँ एक पहाड़ी डिश लेके। तो इस साल मुझे लग रहा है मैंने कुकिंग वाला चैनल खोल लेना था क्यों, और वो भी पहाड़ी कुकिंग चैनल खोल लेना था मैंने, क्योंकि इस बार लगभग सारी पहाड़ी डिश बन रही है और हर रोज़ एक नई पहाड़ी डिश बन रही है। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि आज के नाश्ते में कौन सी स्पेशल पहाड़ी डिश बनाने वाली हूँ मैं। ये देखिए जी, ये रहा पहाड़ी डिश का स्पेशल मसाला। आज मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी डबल रोटी, यानी कि काले भट्ट की डबल रोटी, जो सोयाबीन होती है, काले वाले सोयाबीन की रोटी बनाने वाली हूँ मैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे बनाते हैं। डबल रोटी बनाने के लिए काले भट्ट कल रात ही हमने भिगोने के लिए डाल दिए थे गर्म पानी में। उसके बाद मिक्सी में उसे अच्छे से ग्राइंडर कर लिया है। तो अब तैयारी है रोटी बनाने की। तो सबसे पहले ये रोटी थोड़ी सी इतनी बेलनी है, उसके बाद इसको इसमें डालना है। पर मेरा जो ये मसाला है ये गीला हो गया है, क्योंकि ये ना ढंग से पिसा नहीं जा रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, पर वो गड़बड़ हो गई है क्योंकि उससे वो गीला हो गया। पर कोई नहीं, थोड़ी सी एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि इसे ना अगर गोला करके बना रहे हैं तो ये पूरा बाहर निकल रहा है। तो मैं इसे जैसे मैं आलू के परांठे बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। तो एक तो इधर बन के तैयार हो गया है। वैसे तो ये मंडवे और गेहूं का आटा मिक्स करके उसमें अच्छा होता है, पर ये ना इसी में फट रहा है, तो उसमें तो इसने क्या ही बनना था। तो ये कुछ ऐसा हो रखा है, ये रहा इसके अंदर से। ये देखो आदि अपनी भुल्ली को झूला में घुमा रहा है। आदि किसे घुमा रहा है? भुल्ली कहाँ है? भुल्ली हट जाओ, हट जाओ छमने से, हट जाओ भाई छाप, आराम से आराम से आराम से। आज फिर से हम बनाएंगे पहाड़ी डिश और उस पर बनाएंगे सरसों का साग। तो उसके लिए हमने सरसों पहले ही बॉयल कर लिया है, अच्छे से उबाल लिया है। तो अब बनाते हैं उसकी कड़ी, सरसों का काफला। यहाँ पे बनने लगी है हमारी सरसों की कड़ी, और ये सरसों की सब्जी बना के प्लेट में निकाल दिया है। और अभी बेसन बुना जा रहा है, फिर इसके बाद बनेगी सरसों की कड़ी। और इसे हम लोग गढ़वाली में घरिया का काफुला कहते हैं, घरिया की काफुली। ये तो ये हो गई हमारी कड़ी तैयार। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें जो यहाँ पे इस प्लेट में हमने ये सरसों की सब्जी बना रखी है, तो इसको मिलाएंगे कड़ी के साथ, और फिर हो जाएगा ये घरिया का काफुला। काफुली भी हमारी लगभग बन के तैयार हो गई है। तो इसमें हमने पूरी सब्जी नहीं डाली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसे हम चावल के साथ खा लेंगे। हमारा लंच भी हो गया है और अभी हम लोग बाहर पे बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, क्योंकि बड़े दिनों के बाद धूप आ रही है। और यहाँ पे सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम पे, और आज हमारे घर में है इनकी एनिवर्सरी, तो हैप्पी एनिवर्सरी। और आरोही लगी है अपने मम्मी पापा को एनिवर्सरी का गिफ्ट बनाने पे। ये अभी नहीं बना वाला, और ये भी बना रहा है,
तो ये देखो आरुही ने कितना प्यारा सा गिफ्ट बना रखा, दिखाना अंदर से उसको। अंदर से बाद में दिखाऊंगी ना, पूरा बनाने के बाद। अभी थोड़ा सा दिखा देना स्टार्टिंग में। तो अभी तैयारी चल रही है और वहाँ पे मायू पे हवा लग रही है, ये उसमें सो रखी है वो मस्त से। और ये भी काम कर रहा है बल अपना, पता नहीं क्या काम कर रहा है। बन गई है आरुही की पूरी ड्राइंग गिफ्ट, तो दिखा। ये देखो इसमें ऐसे ये कार्ड निकलेगा, ये मैंने रात को आधा बना रखा था, ये बर्थडे का है। ओहो उनकी तो एनिवर्सरी है, बर्थडे क्यों बनाए तूने? इसमें ना सबके लिए जो जी एनिवर्सरी बर्थडे एनिवर्सरी का कार्ड नहीं है, एनिवर्सरी ये छोटी छोटी दिवाली वगैरह के कार्ड है, और जब खोली के तो आएगा मम्मी लोग के लिए एनिवर्सरी का बड़ा सा कार्ड, और नहीं तो बाहर पे मम्मी लोग के लिए दिवाली दुवाली का है। अच्छा। और जब बड़ा सा ऐसे खोलेंगे तो मम्मी लोग तो ऐसे उन्हें एनिवर्सरी का कार्ड दिख जाएगा पीछे से ऐसा। ये बाहर से क्या है, बिल्ली? हाँ ये बिल्ली है बाहर से। अरे ये यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। दीदी लोगों की एनिवर्सरी थी तो ये उसी की पार्टी आ रखी है। इस बार छोटा मोटा सा पार्टी सेलिब्रेट हुआ, पेस्टी आर किए हमारे लिए, तो उन्होंने नीचे खा लिया होगा। तो अभी अभी आरुही लेके आई हमारे लिए पेस्ट्री, तो पेस्ट्री खाएंगे पहले फिर बनाएंगे फिर बनाएंगे खाना पीना।